आप लोगों के पास सही आ रहा है क्या? कैमरा सही दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा ऐसे भी। थोड़ा नीचे करो उसको धीरे धीरे। नो नीचे करो नीचे करो। टाइट कर दो उसको टाइट करो। अब ठीक आ रहा है क्या? देखना आप सब सही आ रहा है क्या? सही है। चलो माइक पे चलो, बिना माइक के चलते हैं। आवाज आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है क्या? स्टार्ट करें। मैसेज करना आवाज क्लियर है क्या? चावी शारदा, सुनीता बिजारनिया, महावीर जाखड़, अरे आवाज क्लियर आ रही है क्या? आवाज आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है? आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलो तो आज अपन बहुत दिनों के बाद में यूट्यूब पर ऑनलाइन आए। बीच में आप लोगों की सेकेंड ईयर की एग्जाम थी, इसलिए अपन क्लास नहीं ले पाए थे। अब से अपन वापिस रेगुलर स्टार्ट करते हैं यूट्यूब में, ठीक है? तो आप रेडी हो जाइए। फार्मेकोलॉजी का अगला जो पार्ट है वो है इनकॉम्पेटिबिलिटी, विसंगति। तो अपने को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि विसंगति क्या होती है। तो देखिए, पहले विसंगति को समझने से पहले देखिए, डॉक्टर क्या करता है कि किसी भी औषधि की इफिशियंसी, दक्षता या क्षमता बढ़ाने के लिए वो एक ही प्रिस्क्रिप्शन पैड पर दो या दो से अधिक औषधियां जो है वो एक साथ लिखता है, लेकिन वो दोनों औषधियां आपस में मेल नहीं करती, आपस में मेल नहीं खाती, या एक औषधि दूसरी औषधि के प्रभाव को खत्म करती है, अर्थात एंटागोनिस्टिक प्रभाव रखती है। अगर एक औषधि किसी चीज को बढ़ाती है तो दूसरी औषधि उसके प्रभाव को जो है वो कम करती है, ठीक है? या फिर एक औषधि दूसरी औषधि के साथ कुछ रासायनिक क्रियाएं करती है जिससे कुछ नया ही बन जाता है। तो इस प्रकार की अवस्था को अपन बोलते हैं विसंगति या इनकॉम्पेटिबिलिटी। जब कोई भी डॉक्टर, कोई भी चिकित्सक दो या दो से अधिक औषधियों को एक साथ देता है तो उससे उत्पन्न होने वाली बेमेल अवस्था, या जिसको बोलते हैं जो औषधियां आपस में मेल नहीं खाती, या उन औषधियों के दुष्प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं? इनकॉम्पेटिबिलिटी या विसंगति बोलते हैं। तो इसको आप लिखते जाइए साथ साथ में। जब जब दो, कम से कम दो तो होनी चाहिए। अगर आप सिंगल औषधि दे रहे हो तो इनकॉम्पेटिबिलिटी पैदा ही नहीं होगी, ठीक है? तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आप कहीं पर इलाज करते हो, अगर आपको औषधियों का संपूर्ण नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप कभी भी दो औषधियों को मिक्स करके उपयोग में ना लें जब तक आपको उस औषधि का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर दो औषधियों को आप एक साथ उपयोग में लोगे तो हो सकता है रासायनिक प्रक्रिया की वजह से, या भौतिक प्रक्रिया की वजह से, या एंटागोनिस्टिक
एक दूसरे के प्रभाव को कम करने की प्रक्रिया से औषधि का पशु के शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है और इस दुष्प्रभाव को ही अपन इनकॉम्पेटिबिलिटी या विसंगति या बेमेलता जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, विसंगति इसको बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखो, जब दो या दो से अधिक औषधियों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो दोनों औषधियों के आपसी अंतर क्रिया के कारण पशु शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को औषधियों की विसंगति कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक औषधियों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो दोनों औषधियों की आपसी अंतःक्रिया की वजह से, वो अंतःक्रिया कैसी भी हो सकती है, एक औषधि का प्रभाव दूसरी औषधि के प्रभाव को दबा सकती है, ये भी एक अंतःक्रिया है, या दोनों औषधि आपस में कुछ रासायनिक क्रिया करके उनके अंदर कुछ रंग रूप के अंदर चेंज हो जाए तो वो भी अंतःक्रिया है, या कोई औषधि की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो वो भी अंतःक्रिया है। तो उन अंतःक्रिया की वजह से अगर पशु के शरीर पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है तो औषधियों की इस प्रकार की अंतःक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप को मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूं। अगर आपको हर औषधि का संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो आप अगर डॉक्टर हो, प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हो कि आप क्या करो कि सीबीजी के अंदर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा दो, सीबीजी के अंदर जैसे आपको आती है ना कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट, उसके साथ में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा दो या किसी भी कैल्शियम प्रिपरेशन के साथ में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा दो। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, और सीबीजी क्या है, कैल्शियम प्रिपरेशन है। अगर आपको ज्ञान नहीं है और हड़बड़ाहट के अंदर आप काम कर रहे हो और कॉन्फिडेंट हो लेकिन आपको औषधियों का नॉलेज नहीं है तो ये आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये पशु को मार सकता है। कैसे मार सकता है, मान लो कि आपने कैल्शियम प्रिपरेशन के साथ में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को आपने साथ में दे दिया तो जो रक्त में जाकर कैल्शियम प्लस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दोनों आपस में जुड़कर एक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। और इस यौगिक का आकार बड़ा होने की वजह से हार्ट ब्लॉक हो सकता है और जानवर की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। ये तो आपने आईवी दिया तब। अगर आप ओरली दे रहे हो, ओरली आप जो है कैल्शियम भी दे रहे हो उस जानवर को और उसी के साथ में ऑक्सी मिला के दे रहे हो तो कैल्शियम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड होकर कैल्शियम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यौगिक का निर्माण कर लेगा। क्योंकि इस यौगिक का अब आकार बड़ा हो गया तो ये कैल्शियम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है आंत से अवशोषित नहीं होगा और जब आंत से अवशोषित नहीं होगा तो गोबर के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो आप क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, आपने जो कैल्शियम दिया वो कैल्शियम पशु के शरीर में अवशोषण ही नहीं हुआ, रक्त में पहुंचा ही नहीं, वो तो सारा का सारा गोबर में निकल गया। और जिस रोग के इलाज के लिए आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल किया था अब वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ब्लड में नहीं पहुंची, वो भी गोबर के माध्यम से बाहर निकल गई। तो आपको इस प्रकार की विसंगतता को, इस प्रकार के बेमेल को ही इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। इसी को अपने को आज पढ़ना है। अब ये मेरे को बताओ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब समझ गए क्या आप लोग, पहले तो ये बताओ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया।
चलो आगे चलते हैं, बच्चे भी कम। रोहिता सैनी, हाँ सर ठीक है, मुकेश यस, चलो आगे चलते हैं। तो ये परिभाषा आप लिख ली होगी आप लोगों ने। आगे अपन जो है ये देखते हैं कि इनकॉम्पेटिबिलिटी या विसंगतियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो विसंगतियां जो है मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। इन तीनों प्रकार को अपन पढ़ते हैं। विसंगति, विसंगति मुख्यतया तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। थ्री टाइप्स ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी तीन प्रकार की होती है। तो सबसे पहला प्रकार है वो चिकित्सीय विसंगति। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? चिकित्सीय विसंगति, थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसमें बोलते हैं थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब ये क्या होती है आप इसको समझिए। चिकित्सीय विसंगति के अंदर क्या होता है कि जब आप दो, उदाहरण के तौर पर दो ही दे लो, जब दो औषधियों का एक साथ इस्तेमाल करते हो तो दोनों औषधियां एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करती हैं। अर्थात कोई औषधि किसी एक फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को बढ़ाती है, दूसरी औषधि जो है उसी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को घटाती है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है। तो आपने अगर मेरी बहुत पहले की क्लासें जब फार्माकोलॉजी स्टार्ट हुई थी तब अपने एंटागोनिस्टिक टर्मिनोलॉजी का मतलब जो है वो पढ़ा था। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक औषधियों का एक साथ उपयोग किया जाता है, जब दो या दो से अधिक औषधियों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो दोनों औषधियां एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देती हैं। औषधियों के इसी गुण को एंटागोनिस्टिक प्रभाव कहते हैं। और सिनर्जिस्टिक क्या था? जब दो या दो से अधिक औषधियों को, ये आप टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं, एंटागोनिस्टिक और सिनर्जिस्टिक, ये टर्मिनोलॉजी आप जो है इसी यूट्यूब चैनल पर आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर मेरे पुराने यूजर है तो आपको पता है। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक औषधियों का उपयोग किया जाता है तो जो औषधियां हैं, दोनों औषधियां हैं या दो से अधिक औषधियां जो हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देती हैं, और औषधियों के इस गुण को और इस कार्य को एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक औषधियों को एक साथ काम में लिया जाता है तो दोनों औषधियां अगर एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देती हैं तो जो सम्मिलित प्रभाव आता है वो दोनों औषधियों के योग से भी अधिक आता है, तो उसको अपन सिनर्जेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई है। चिकित्सीय विसंगति में भी ऐसा ही होता है। चिकित्सीय विसंगति में के अंदर ऐसा क्या होता है कि जब आप मुख्यतः दो औषधि काम में लोगे तो एक औषधि का जो प्रभाव है वो दूसरी औषधि उसके प्रभाव को उदासीन कर देगी, अर्थात दोनों औषधियां एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक कार्य करती हैं। तो चिकित्सीय विसंगति में क्या होती है? इसमें काम में ली जाने वाली आने वाली औषधियां एंटागोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक प्रभाव प्रदर्शित करती है, एंटागोनिस्टिक प्रभाव प्रदर्शित करती है। इसके एग्जांपल भी अपन देखते जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल होंगे। तो आपको एंटागोनिस्टिक का मतलब समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या हो जाए कि आप दो या दो से अधिक औषधियों को आप जब भी मिलाओगे तो जो औषधियां जो है वो एक दूसरे के प्रभाव को अगर उदासीन कर दे तो इस प्रकार के जो औषधियों के इस प्रकार के कार्य को या गुण को अपन क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक। जैसे उदाहरण के तौर पर लेके मैं चलता हूं उसका, सबसे पहले आंख के ऊपर, आइज पर मैं दो औषधियों को एक साथ देता हूं और दोनों औषधियों की विसंगतता को देखता हूं। मान लो कि आपको प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड करनी है, संकुचित करनी है, आंख की जो प्यूपिल है इसको संकुचित करनी आपका टारगेट है, लेकिन आपने गलती से दो औषधि एक साथ दे दी। कौन कौन सी? फिजियोस्टिगमिन, एट्रोपिन सल्फेट,
फिजियोस्टिग्मिन और एट्रोपिन सल्फेट दोनों औषधियां आपने एक साथ दे दी। अब दोनों औषधियां एक साथ दे दी तो ये एंटागोनिस्टिक कार्य करके कैसे चिकित्सीय विसंगति पैदा करती है आप देखते जाइए। फिजियोस्टिग्मिन क्या करती है, आंख की जो पिपिल होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्टेड करती है, संकुचित करती है, जबकि जैसे ही यह पिपिल को संकुचित करने का कार्य करेगी तुरंत यह औषधि जो है उस आंख की पिपिल को वापस डायलेट कर देगी। इसने संकुचित किया, इसने प्रसारित किया, नेट रिजल्ट क्या निकला, जीरो। नेट रिजल्ट क्या निकला, जीरो, अर्थात पिपिल पर कोई असर नहीं पड़ा। तो क्या हुआ, ये दोनों औषधियां एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करने लगी। तो फिजियोस्टिग्मिन क्या करती है, पिपिल जो होती है पिपिल को संकुचित करती है और एट्रोपिन सल्फेट जो है वो पिपिल को प्रसारित करती है। पिपिल को क्या करती है, प्रसारित करती है, अर्थात ये औषधियां जो है वो एक दूसरे के विरुद्ध कार्य कर रही है, दोनों के प्रभाव को उदासीन कर रही है, अर्थात ऐसे प्रभाव को एंटागोनिस्टिक प्रभाव अपन बोलते हैं। तो ये पहला एग्जांपल अपन ने देख लिया, आंख के ऊपर प्रभाव देख लिया। आगे अपन देखते जाते हैं प्रभाव, इसको मैं मिटा देता हूं, इसी के एग्जाम्पल चल रहे चिकित्सीय विसंगति के एग्जाम्पल जो है आगे अपन पढ़ते हैं। चिकित्सीय विसंगति, चिकित्सीय विसंगति। अब दूसरा प्रभाव अपन देखते हैं ब्रोंकियोल्स पर, श्वसन नलिका पर, ब्रोंकियोल्स पर क्या कैसे कैसे जो है चिकित्सीय विसंगति पैदा होती है, तो ये आपको देखना है। तो आपको दो दवाइयां जो है, आपको एक नाम सुना होगा आपने हिस्टामिन, हिस्टामिन नाम सुना होगा, और एड्रेनलिन, दोनों के दोनों जो है बॉडी के अंदर इनका निर्माण होता है और दोनों का ब्रोंकियोल्स पर क्या क्या प्रभाव होता है वो देखते जाइए। देखो तो हिस्टामिन का सिक्रेशन शरीर में कब होता है, जब आपके शरीर के अंदर कोई शोथ की प्रक्रिया होती है, कोई आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन का जन्मदाता ही कौन होता है, हिस्टामिन होता है। तो इस हिस्टामिन का इस श्वसन नलिका पर क्या प्रभाव है, तो इस श्वसन नलिका को चिपका देता है, संकुचित कर देता है, अर्थात ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, अर्थात जो श्वसन नलिका या ब्रोंकियोल्स है उसको संकुचित कर देता है, और संकुचित कर दोगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो आपको अगर कोई ऐसी गंभीर चोट लगी है, आपको कभी बहुत भयंकर गंभीर चोट लगी है, तो उस चोट की वजह से आपको कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, चोट चाहे कहीं पर भी लगी हो लेकिन आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, और सांस लेने में तकलीफ की वजह है कि आपकी बॉडी ने हिस्टामिन का स्रावण किया है, और हिस्टामिन क्या करता है, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्टर का काम करता है, अर्थात ये जो श्वसन नलिका है इसको संकुचित करने का कार्य करता है। तो आपको सांस जो है वो मुश्किल से आता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई दम घोट रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्टर, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हो गया, श्वसन नलिका को संकुचित करता है, श्वसन नलिका को संकुचित करता है, श्वसन नलिका को संकुचित करता है, संकुचित करता है। दूसरा एड्रेनलिन, एड्रेनलिन भी आपकी बॉडी के अंदर जो है स्रावित होता है। आपने देखा होगा, अगर आपने सडनली अचानक किसी सांप को देख लिया, आप रोड पे चल रहे हो, अचानक आपके सामने कोई सांप आ गया, तो आपके इमरजेंसी हार्मोन्स निकलेंगे, उसमें एड्रेनलिन भी निकलेगा, और एड्रेनलिन जो है श्वास नली को चौड़ा कर देता है। जरूरी भी है, जरूरी भी है, शरीर की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि आपने सांप देख लिया तो आपके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ताकि आप सोच सको कि सांप को मारना है, कि सांप से भागना है, या सांप का क्या इलाज करना है। तो दिमाग को ऊर्जा चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और दिमाग को ऊर्जा कौन देगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहां से, ऑक्सीकरण किससे होगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ज्यादा कौन देगा, फेफड़ा। तो आपको श्वास नली को चौड़ा कर देना है, खोल देना है, आराम से शाम दवा दमा दमा दम श्वास जो है आपके अंदर जाए। तो एड्रेनलिन क्या होता है, ब्रोंकियो डायलेटर होता है, ब्रोंकियो
ब्रोंकियो डायलेटर होता है, अर्थात श्वास नली को चौड़ा कर देता है। श्वसन नलिका को चौड़ा कर देता है, ठीक है। ये दोनों ही अवस्थाएं मैंने बताया आपके शरीर के अंदर मिलती हैं और दोनों ही भिन्न भिन्न कंडीशन के अंदर मिलती हैं। आपको गहरी चोट लगी है तो चोट लगते ही आपको एक बार कहीं पर भी आपका एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में हुआ है, तो एक बार दम घुट जाता है, सांस नहीं आता, जोर जोर करके आप सांस लेते हो, क्योंकि उसमें तुरंत हिस्टामिन का रिलीज होता है और हिस्टामिन जैसे क्या करेगा, श्वास नली को पिचकाने का काम करता है, तो आपको सांस मुश्किल से आएगा, आप गहरी सांस लेने की कोशिश करोगे। और जैसे आपने चाहे कोई सांप देख लिया तो सांप देखते ही आपको क्या करना है, फियर फाइट फ्लाइट, भागना दौड़ना कुछ करना है, तो उसके लिए आपको दिमाग को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो एड्रेनलिन आएगा और श्वास नली को चौड़ा कर देगा, बहुत सारी जो वायु है वो अंदर जाएगी और आपका जो शरीर है, जो भी आपका दिमाग है, वो सांप से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई ब्रोंकियोल्स वाली, कोई दिक्कत है तो बताओ। चिकित्सीय विसंगति का दो एग्जांपल मैंने आपको सामने रखे, कोई दिक्कत है क्या? थैंक यू महावीर सिंह चौधरी सर, आप बहुत अच्छा बड़ा, थैंक यू जितेंद्र पटेल, कवर कर दीजिए आपकी क्लास से टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, शाबाश, बहुत कर देंगे सब कर देंगे। ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। आगे एग्जांपल लूं ब्लड वेसल्स पे, हाँ ना करो, हाँ ना कुछ समझ में आ गया, नो दिक्कत, वेरी गुड। अब देखो आगे चलते हैं ब्लड वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स पर कैसे चिकित्सीय विसंगति होती है। ब्लड वेसल्स और रक्त वाहिनियां, तो दो दवाई मैं आपके सामने लिखूंगा, एक तो एड्रेनलिन जो अभी निकला हो और दूसरा एमाइल नाइट्रेट, एमाइल एमाइल नाइट्रेट, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कर। एड्रेनलिन आपके शरीर में कब निकला? जब आपने सांप देखा तब आपके शरीर से एड्रेनलिन निकला, तो उसने सांस नली को चौड़ा किया ताकि आपके फेफड़े में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए, आपके ब्रेन में भी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए और आप स्वस्थ हो, मतलब आप डिसीजन ले सको कि सांप का करना क्या है। अब एड्रेनलिन और क्या करता है, अब देखो एड्रेनलिन वही काम करता है, एड्रेनलिन निकलता कब है, इमरजेंसी में निकलता है, और इमरजेंसी में आपको क्या जीवन को कोई खतरा होता है, उस खतरे से बचाने के लिए एड्रेनलिन निकलता है। तो एड्रेनलिन का ब्लड वेसल्स पर क्या प्रभाव होना चाहिए, क्या त्वचा पर बहुत सारे रक्त प्रवाहित करना चाहिए, अपने को हैंडसम थोड़ी दिखना है, आपके सामने सांप खड़ा हुआ है, आपको चिकना गोरा चिट्टा या आपकी त्वचा शाइनिंग मारने वाली ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सांप से बचना है, उसके बाद में देखेंगे हैंडसम रहनी है कि नहीं रहनी है, अपन को रूप भी दिख गए और सांप से बच गए तो बढ़िया है। तो एड्रेनलिन वही काम करेगा, आपकी जितनी भी त्वचा है, जितना भी आपकी रक्त वाहिनियां है, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, उनको संकुचित कर देगा। संकुचित क्यों कर देगा? ताकि रक्त जो है फालतू जगह पर ना जाए, फालतू जगह पर ना जाए। तो एड्रेनलिन का रक्त वाहिनियों पर हमेशा यही प्रभाव होता है, वो रक्त वाहिनियों को संकुचित कर देता है, जिसको जो अपन बोलते हैं एड्रेनलिन जो है रक्त वाहिनियों को संकुचित वो करता है, जिसको एक टर्मिनोलॉजी द्वारा प्रदर्शित करते हैं वासो कंस्ट्रिक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं वासो कंस्ट्रिक्शन। वासो कंस्ट्रिक्शन और जरूरी भी है, आपको चेहरे पे ज्यादा खून सप्लाई करके, त्वचा पर बढ़िया बढ़िया लाल खून सप्लाई करके क्या करना है, आपको तो सांप से बाहर जिंदा निकलना है आपको, तो आप क्या करोगे, आपको शरीर के अंदर जहां पर भी त्वचा के अंदर ब्लड सप्लाई है, उसमें जहां पर भी रक्त वाहिनियां है, उनको संकुचित कर देगा। तो वासो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है एड्रेनलिन, ठीक है। अब आ जाओ एमाइल नाइट्रेट, अगर गलती से आपने एड्रेनलिन और एमाइल नाइट्रेट साथ में लगा दिया तो किस प्रकार से चिकित्सीय विसंगति पैदा होती है। तो एड्रेनलिन का काम अपन ने देख लिया कि यह रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है।
अब देखिए एमाइल नाइट्रेट का काम क्या है, याद करने का तरीका है। अगर कई बार इंसानों को कई बार क्या आता है, हार्ट अटैक आता है, और हार्ट अटैक आता है तो एक इंजेक्शन लगाते हैं कि यार मैं ये इंजेक्शन लगाता हूँ तो आगे जयपुर तक पहुंच जाएगा, तो आगे तेरा ऑपरेशन होके जो भी हार्ट का ब्लॉकेज है वो निकाल दिया जाएगा। तो इंजेक्शन लगाते हैं किसका है, एमाइल नाइट्रेट का। क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपका जो रक्त वाहिनी, मान लो कि रक्त वाहिनी इसके अंदर ब्लॉकेज है, तो ये रक्त वाहिनी को चौड़ा कर देगा, तो खून आराम से निकल जाएगा। तब तक आप जयपुर पहुंच जाओगे, तब तक डॉक्टर तैयार रहेगा ऑपरेशन करने के लिए, आपके ब्लॉकेज को निकालने के लिए। तो एमाइल नाइट्रेट का काम क्या है, रक्त वाहिनियों को चौड़ा करना, वासो डायलेटर। ये कैसा कार्य करती है, वासो डायलेटर, अर्थात ये क्या करता है, रक्त वाहिनियों को चौड़ा कर देता है। दोनों के काम अपन ने देख लिए, और दोनों को अपन ने साथ लगाया तो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। आपने एक हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसको एड्रेनलिन लगा दिया तो जल्दी है वो मोक्षधाम पहुंच जाएगा। अगर वो हार्ट अटैक का पेशेंट है, आपको कुछ पता नहीं, आपने एड्रेनलिन लगा दिया तो जल्दी मोक्षधाम पे पहुंच जाएगा, जयपुर जाने की जरूरत ही नहीं है, छुटकारा मिल जाएगा जिंदगी से। और उसने आपने एमाइल नाइट्रेट लगा दिया उसको, तो वो जयपुर तक पहुंच जाएगा, आगे जीने के चांस हैं। और गलती से दोनों साथ में लगा दिए तो फिर कोई रिजल्ट आना नहीं है, मरना है तो मरेगा, जिएगा तो जिएगा। अब आप कुछ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि दोनों आपने साथ लगा दिया तो दोनों के प्रभाव एक दूसरे को उदासीन कर दिए, तो हार्ट का जो पेशेंट था जैसा का वैसा ही रह गया। अब जयपुर पहुंचना नहीं पहुंचना ये उसकी किस्मत पे, ठीक है, बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया, आगे चले, आगे एग्जाम्पल लें क्या, मैसेज करो आगे चले। यस सर, आगे चलते हैं, अमित बुराड़ा, ठीक है आगे चलते हैं, सीएनएस पर लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर के ऊपर अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे चिकित्सीय विसंगति होती है। सीएनएस का पूरा नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब मैं यहां पर दो तरह की दवाइयां लिखूंगा, एक बारबिट्यूरेट लिखूंगा, एक स्ट्रैचिन लिखूंगा, बारबिट्यूरेट, और दूसरी दवाई जो है स्ट्रैचिन। बारबिट्यूरेट के अंदर कोई सा भी बारबिट्यूरेट आप काम में ले सकते हो। तो बारबिट्यूरेट जो है स्ट्रैचिनिन, इनके आप देखो क्या क्या है। बारबिट्यूरेट प्रकृति के जितनी भी औषधियां हैं वो सीएनएस डिप्रेसेंट का काम करती हैं, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम का संबंधन करती हैं। संबंधन का मतलब, मान लो कोई आदमी गुस्से में आ रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसको आप बारबिट्यूरेट दे दो, आराम से उसका दिमाग जो है वो ठंडा हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। सीएनएस डिप्रेसेंट का काम करती है बारबिट्यूरेट, ठीक है। तो गुस्सेला आदमी है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अचानक कंट्रोल से बाहर, पागल हो गया, बस मार दूंगा, फाड़ दूंगा, झाड़ दूंगा, जो भी है जो भी कर दूंगा, तो आप उसको क्या करो, बारबिट्यूरेट लगा दो। जैसे आप बारबिट्यूरेट उसको लगा दोगे, उसका सीएनएस का संबंधन हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिप्रेशन में आ जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा और वो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम है बारबिट्यूरेट का। स्ट्रेचिंग क्या होती है, सीएनएस स्टिमुलेट होती है, अर्थात कोई आदमी डल है, ऐसा आपको लग रहा है कि यार 2 महीने हो गए ना कुछ बोल रहा ना कोई दिमाग का, तो आप उसको स्ट्रेचिंग लगाओगे तो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन मिलेगा, स्टिमुलेट का काम करती है। अब देखो आप क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, आप देखते जाओ। बारबिट्यूरेट का मैंने लिख दिया कि सीएनएस डिप्रेसेंट का काम करती है, और ये कैसा काम करती है, सीएनएस स्टिमुलेट का, ठीक है। आदमी गुस्से में है और आपने स्ट्रेचिंग लगा दिया, पक्का मार के निकलेगा आज, एक आधे का मर्डर करेगा इधर, ठीक है। और आदमी गुस्से में है, आपने स्ट्रैचिनिन लगा दिया तो पक्का एक मर्डर करके निकलेगा। आपने क्या किया, पहले से उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है स्टिमुलेट है, आपने और स्टिमुलेट कर दिया तो मर्डर होना तय है, ठीक है। और अगर आपने उसको बारबिट्यूरेट दे दिया तो मर्डर नहीं होगा, शांति हो जाएगी, थोड़ी देर बाद दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी जो है वो डिप्रेस्ड है ऑलरेडी,
ऑलरेडी जो है कोमा में है, डल है, डिप्रेस है, उसको आपने बारबिट्यूरेट दे दिया तो कंफर्मली उसका जाना तय है, मोक्ष धाम में जाना तय है, और दोनों दवाइयों को साथ में दे दिया तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं चिकित्सीय विसंगति। कोई दिक्कत? आगे चले। थैंक यू लाउटी, थैंक यू। आगे चले, चलो आगे अपन हार्ट पे देखते हैं। हार्ट पर क्या प्रभाव होता है, कैसे चिकित्सीय विसंगति होती है। हार्ट पर देखो दो औषधि लिख रहा हूं, क्विनिडिन, एक औषधि का नाम है क्विनिडिन और दूसरी औषधि जो है वो आपकी एड्रेनालिन। क्विनिडिन और एड्रेनालिन, ये हार्ट रेट पर क्या प्रभाव डालती है। तो क्विनिडिन को ध्यान रखना, आप हमेशा हार्ट रेट को डाउन करती हैं, स्लो डाउन करती हैं, हार्ट रेट को कम करती हैं, ठीक है। क्विनिडिन जो है हार्ट रेट को क्या करेगी, कम करती है, जबकि एड्रेनालिन हार्ट रेट को बढ़ाती है, हार्ट रेट को बढ़ाती है। वैसे भी आप समझ सकते हो एड्रेनालिन वही सांस वाली कहानी है। एड्रेनालिन के काम क्या क्या देखे अपन ने, सबसे पहले तो श्वास नली को चौड़ा करेगी, श्वास नली को चौड़ा करेगी तो दमा दम ऑक्सीजन आपके फेफड़े में जाएगी और दमा दम ऑक्सीजन आपके ब्रेन में जाएगी। बहुत बढ़िया काम किया, जिंदगी बचाने वाला काम किया। दूसरा काम उसने क्या किया कि आपकी त्वचा पर जो खूबसूरती वाला काम उसने बंद कर दिया, अर्थात वास्टो कंस्ट्रिक्शन का काम किया, रक्त वाहिनियों को संकुचित कर दिया। अब तीसरा काम आ जाओ, हार्ट रेट बढ़ा रही, हार्ट रेट बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन और ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हार्ट, जैसे आप सांप देखोगे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, धड़ 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 तेज चलनी शुरू हो जाएगी। वो आप नहीं कर रहे हो, आपका शरीर कर रहा है, आपके शरीर को जरूरत है दो अंगों के अंदर स्पेशली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको। एक तो दिमाग के अंदर ताकि आप सोच सको कि सांप का करना क्या है, एक आपके लीवर को, ठीक है। बाकी जितनी भी चाउचा है उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हार्ट रेट को एड्रेनालिन बढ़ाता है और बढ़ाना जरूरी है। जहां खून पहुंचना चाहिए, शुद्ध खून पहुंचना चाहिए, वहां शुद्ध खून का पहुंचना बहुत जरूरी है, तो हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। अगर आपने मान लो कोई आदमी जो है सांप से घबराया हुआ है, उसको आप बाहर से और एड्रेनालिन लगा दिया तो उसकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इन दोनों का अगर आप एक साथ इस्तेमाल किया तो हार्ट रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका उपयोग किया हार्ट रेट घटेगी, इसका उपयोग किया हार्ट रेट बढ़ेगी। अब कब कहां काम में लेनी है ये आपको ऑटोमेटिकली जो है आपको समझना है, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो। एमपी में पेपर पोस्टपोन हो गया, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, बढ़िया बात हो गया। रिपीट रोहिताश सैनी। देखो रोहिताश, इसमें क्या है, मैं आपको चिकित्सीय विसंगति के एग्जाम्पल करवा रहा हूं वन बाय वन। और चिकित्सीय विसंगति आपको क्या बोलती है कि आप दो औषधियां, दो से अधिक भी हो सकती है, मैं दो को लेकर चल रहा हूं, अगर आप दो औषधियां एक साथ काम में लोगे तो दोनों औषधियां एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक अर्थात एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगी, तो इस प्रकार की विसंगति को चिकित्सीय विसंगति बोलते हैं, ठीक है। आपने किसी पशु को क्विनिडिन या इंसान को क्विनिडिन भी लगा दिया और उसको एड्रेनालिन भी लगा दिया तो ये हार्ट रेट को घटा रही है और ये हार्ट रेट को बढ़ा रही है, तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिला, जीरो। मान लो कि मेरी हार्ट रेट बढ़ी भी है किसी कारण से, टेंशन से या घबराहट से, अब मैं घर बैठा हूं और मेरे को हार्ट रेट कम करनी है, तो अगर आपको हार्ट रेट कम करनी है तो इसी औषधि का उपयोग करना पड़ेगा। और गलती से आपने दोनों लगा दी, अगर आपको नॉलेज नहीं है दवाई का, दोनों को लगा दी तो मेरी हार्ट रेट पर कोई असर पड़ा क्या, कोई असर नहीं पड़ा। अर्थात ये कैसी विसंगति है, ये चिकित्सीय विसंगति है, थेरापेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी है, ठीक है। रोहिताश समझ में आ गया, ठीक है, चलो आगे चलो। एक ऐसा एग्जांपल जो है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था एंटीबायोटिक्स का,
का अवशोषण कम हो जाना, अवशोषण कम हो जाना, इसके अंदर कैसे चिकित्सीय विसंगति होती है तो इसको आपको समझने की जरूरत है। तो देखिए, अगर आपने कोई डेयरी प्रोडक्ट दिया है जानवर को, डेयरी कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर दूध ही ले लो ना आप, दूध दिया है ठीक है, ओरली दूध पिलाया है और उसी जानवर को आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे रहे हो, तो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे साहब, क्योंकि दूध के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, कैल्शियम होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, और कैल्शियम क्या करेगा, ऑक्सी के अवशोषण को क्या कर देगा, कम कर देगा, ऑक्सी के अवशोषण को कम कर देगा, ऑक्सी आपके रक्त में कम पहुंचेगी और जानवर पर जो प्रभाव आना था वो प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है डेयरी प्रोडक्ट के साथ में जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग ना करें। एक उदाहरण और मान लो केओलिन, केओलिन को आपने इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है आपने माइसिन के साथ में दे दिया, तो केविलिन जो है इसके अवशोषण को भी क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इस ये सारे के सारे एग्जांपल जो हैं वो किसके एग्जांपल हैं, चिकित्सीय विसंगति के एग्जांपल हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो है जब दो औषधियां एक साथ में उपयोग में लोगे तो दोनों औषधियों के जो कार्य है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और अपोजिट होने की वजह से जो प्रभाव आता है, जो औषधियों के जो प्रभाव आते हैं वो एकदम बिल्कुल जीरो प्रभाव आता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को वो उदासीन कर देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, बाकी रासायनिक विसंगति और भौतिक विसंगति अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज मेरे को ये भी बताना जरूरी है कि YouTube पे क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, अब जो है फिक्स टाइम जो है मैं आपको कल ही बता पाऊंगा, क्योंकि ऐप पे भी अपनी क्लास चलती है, तो ऐप का जैसे टाइम फिक्स हो जाएगा मैं आपकी यूट्यूब का जो क्लास का टाइम है वो भी फिक्स कर दूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास आए, फायदा उठाएं, पढ़ें लिखें कुछ बने। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद, गुड नाइट।